बैराड में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आधा सैकड़ा आउटसोर्स कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर के बैनर तले कनिष्ठ यंत्री मनमोहन सिंह जाट को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया है कि संगठन के बैनर तले अपनी जायज मांगों को लेकर काम बंद कर समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने पूर्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया था कि समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं सविलीन किया जाए, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त आउटसोर्स कर्मचारी जा रहे हैं। ऐसे में बैराड़ क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आज आपके द्वारा जो हड़ताल की गई है, क्या कुछ मामला है? ये हमारा मामला यह है कि संविदा का नियमितीकरण और आउटसोर्स का संविलियन दो ही मुख्य मांग है हमारी। अच्छा, तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल आज अगर शाम तक वार्ता हो पाती है ठीक है, नहीं कल से भी अनिश्चितकालीन है। अच्छा, और आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी क्या दोनों ही सम्मिलित हैं इसमें? दोनों सम्मिलित। और आज कोई भी कर्मचारी मतलब कार्य पर नहीं गया? नहीं, आज काम पे है सब, 24 तारीख से है। अच्छा अच्छा, इसमें आज कौन कौन ने मतलब सम्मिलित हुआ है? आउटसोर्स कर्मी एवं संविदा कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो क्या विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है? निश्चित रूप से हड़ताल पर जाने से विद्युत व्यवस्था में थोड़ा बहुत योगदान आएगा, परंतु हम संकल्पित हैं कि हम इसको विद्युत व्यवस्था उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने देंगे, सुचारू रूप से संचालित करेंगे। धन्यवाद।